बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। नमाज जुमा अदा करके अभी अभी मस्जिद से निकले हैं। जुमातुल मेदा रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा मुबारक था, तो तमाम लोगों को माह रमज़ान का आखिरी जुमातुल मुबारक मुबारक हो। रमज़ान माह रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। रहमतों वाला, बख्शतों वाला और प्यार मोहब्बत वाला ये महीना सवाबों वाला, तो अल्लाह ताला से गुजारिश, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुमातुल मुबारक के सदक़े और माह रमज़ान के सदक़े, जुमातुल विदा के सदक़े अल्लाह ताला हमारी जो आबादात हैं वो कबूल और मंजूर फरमाए। रोज़े क़यामत अल्लाह से दुआ है कि ये माह मुबारक रमज़ान शरीफ गवाह रहना। तूने कहा है कि रमज़ान पहचानेगा अपने रोज़ेदारों को क़यामत के दिन, तो हम आपको गवाह बना रहे हैं। अल्लाह ताला मरा गवाह बनाए ये रमज़ान मुबारक को, तो जो इबादत है मेरी उस दिन वो हमें काम आए। जितनी भी इबादत हैं वो आखरत में हमारी जमा हो रही हूँ और उसी के सदक़े हमें कुछ ना कुछ जो इधर हम कर रहे हैं गुनाह गलतियाँ कुताहियाँ, अल्लाह ताला उस दिन ये रमज़ान गवाह हो जाएगा कि ये रमज़ान था, मेरा रमज़ान का इहतराम किया है, रोज़े रखे हैं। तो हम उसके सदक़े अपनी बख्शिश और मगफरत की दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह ताला सब के रोज़े और इबादत भी कबूल फरमाए। तो जो जो नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो सब की नेक आजात और नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अजलाता फरमाए, और जो मुसलमान इस दुनिया जहान से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बेसा बख्शिश और मगफरत फरमाए। फिर खसूस मेरी सिस्टर ने कहा, लेकिन कहा था असमारा सिस्टर ने उनकी वालदा के लिए और उनकी मदर अफला के लिए दुआए मगफरत करना, अल्लाह ताला उनको बेसाब जन्नत में दाखिला फरमाए, अल्लाह ताला उनको क़यामत करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद फरमाए। अल्लाह ताला सहाबा इकराम के सदक़े, अल्लाह ताला अहले बैत के सदक़े, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम बुजुर्गान दीन के सदक़े, अल्लाह ताला उनकी वालदा साहिबा और उनके मदर इन लॉ को जन्नत में बेसाब दाखिला ता फरमाए। और जितने भी बीमार मुसलमान हैं मेरी पार्टी के मेंबर, अल्लाह ताला उन सब को बेहसाब जो है वो सेहत कामला आजला ता फरमाए, और जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी सब की परेशानियां दूर फरमाए। अपनी रहमत और कर्म के फजल के सदक़े अल्लाह ताला सब पर अपना कर्म और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को जो हम मकसद ले कर चल रहे हैं उसमें कामयाबी और कामरानियाँ ता फरमाए। तो अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे ताकि हम नए रमज़ान की इंतज़ार में रहें, जो जब नया साल आए तो इस रमज़ान शरीफ के जो गुनाह अपना जो सवाब आते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 70 गुना सवाब बढ़ जाता है रमज़ान शरीफ में। तो इसलिए जो गुनाह करता है उसके एक गुनाह से गुनाह में भी इजाफा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बचाए, जो भी हम गुनाह कर रहे हैं इनसे हमें बचाए, अल्लाह ताला माफ़ी तलाफ़ी फरमाए हमारी, और हमारी नेकियां जो हैं वो भारी हों क़यामत के रोज़। तो यही बस ब्लॉग था आज का, इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉग आज नहीं बनाऊंगा। तो बाकी जितने भी मेरी बाइटी के मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब का आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 27वीं रात थी रात को, आज 27वां रोज़ा है पाकिस्तान में, हमारा इधर 28वां है। तो जितने लोगों ने इबादत की अल्लाह ताला उन सब की अपनी इबादत भी कबूल फरमाए, और मेरे लिए भी जिन्होंने दुआएं की, सभी ने दुआएं की, मैं अपने तमाम बहन भाइयों का स्पेशली बहनों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लिए इतनी प्यार और मोहब्बत से दुआएं करते हैं। तो ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मैं एक मरीज़ बंदा हूँ, 8 पेशेंट बंदा हूँ, डायबिटीज़ हूँ,
शुगर का भी मरीज़ हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन दवाइयों का असर नहीं है, मुझे आप लोगों की दुआओं का असर है। हकीकत मैं बता रहा हूँ कि जो लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो अभी न मस्जिद से आए हैं तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं दिल से इहतराम और इज़्ज़त करता हूँ सबकी। तो मेरे अपने जितने सगे बहन भाई हैं, मैं उनके लिए भी दुआगूँ, अल्लाह ताला उन सब को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, उनको बच्चों को नेक करे, अल्लाह ताला उनकी औलादों को नेक करे, उनका साया अपने वालदैन का साया अपनी औलादों पर रहे। मेरे जो भी हैं मेरे रिश्तेदार रिलेटिव जितने भी हैं, सब के लिए मैं दुआगूँ, अल्लाह ताला सबको अपने कर्म और फजल के साथ नवाजें, सब पर अपना कर्म करें, और इन सब के सदक़े अल्लाह ताला मेरे वालदैन की, मेरे ससुर की और जितने भी अजीज व कारम चले गए हैं दुनिया जहान से, अल्लाह ताला उनकी बेसा बख्शिश और मगफरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ज़्यादा आज कुछ ही नहीं, शुक्रिया अदा करूँगा बस। तो शुक्रिया के अलावा आज और किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए सभी काबिल इत्राम हैं, सभी रिस्पेक्टेबल हैं। तो स्पेशल एक बहन ने कल कहा था कि मुझे 8 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, तो सदफ़ नाम है उनका। तो मेरी गुजारिश है, मैं भी दुआ करता हूँ, आप सब लोग भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी इस बहना को औलादे नरीना से नवाजें, अनी लाइफ स्टाइल है सऊदिया सिस्टर उनको नवाजें, और जो जो किस चीज़ का तलबगार है, अल्लाह ताला उन सब को अपने कर्म और फजल के सदक़े, माह रमज़ान के सदक़े, जुम्मतुल विदा के सदक़े, रमज़ान की आखिरी अजाम के सदक़े, अल्लाह ताला उनको औलादे नरीना ता फरमाए, और जो जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उन सब की पूरी फरमाए। तो यही थी बीजिए जी, ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला मेरे और आप लोगों के, हम सब लोगों के ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला खात्मा बिल ईमान फरमाए, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को ईमान पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं सुबह एक नए ब्लॉग में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।